किस रंग बदलती दुनिया में, क्या तेरा है क्या मेरा है। एक भाई देख हा, एक भाई देख, हर शाम के बाद सवेरा है। कदम कदम पर गाना है, हंसना है रोना है, जीना है मर जाना है, यानी कुछ कर जाना है। हर लम्हा बेहतरीन, देख भाई देख हा, देख भाई देख, जमाना है रंगीन। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मिस्टर संपत, सिर्फ ये नहीं जानती कि आप सुहासनी आंटी का मटेरियल कहाँ से लाते हैं। लंदन से। लंदन से? ओ, ओ, लंदन में कहाँ से? वो जो दुकान है ना मैडम, कभी उस दुकान से कभी उस दुकान। अच्छा, फिर तो आपके लंदन काफी चक्कर लगते होंगे, राइट? नहीं नहीं मैडम, मैं तो आज तक लंदन गया ही नहीं हूँ। तो फिर कैसे? लेटर बाजी से। ओह हाउ कन्वीनिएंट, आप अपने सप्लायर को चिट्ठी लिखते हैं, वो आपको मटेरियल भेजते हैं। ओह सिली मी, मैं तो भूल ही गई है, क्या नाम बताया था आपने अपने सप्लायर का? उसका नाम तो लिया ही नहीं मैंने मैडम। तो फिर क्या लंदन जाके ही बताएंगे? क्या बोली मैडम? नथिंग नथिंग। संपत, आप अपना पासपोर्ट बनवा लीजिए, लंदन आपको लेके मैं जाऊंगी। आप मैडम? यस। मुझे लेके जाएंगी एक्चुअल लंदन? और नहीं तो क्या। मैं भी तो देखूं सुहासनी आंटी का मटेरियल कहां से आता है। इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा। मैडम यही लंदन है। वाह संपत जी, प्लीज प्लीज संपत जी। आई एम अ गेस्ट। आइए आइए। थैंक यू मैडम। अब मैं सबको बोल सकूंगा आई एम रिटर्न्ड लंदन। वैल्यू बढ़ेगी ना मैडम, ये सब आपकी वजह से हुआ मैडम। तो फिर थैंक यू बोलिए। हाँ हाँ हाँ, मेनी मेनी थैंक यू वेरी मच मैडम। मैडम जानती है मैंने क्या सोचा है, घर लौटूंगा ना तो अपने मकान के बाहर नेम प्लेट पे लिखूंगा RR संपत रिटर्न लंदन। वाह 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 वाह, क्या कंट्री है मैडम, मैं यहाँ क्यों नहीं पैदा हुआ। इंडिया का नसीब। नहीं नहीं मैडम, जी तो चाह रहा है कि मैं यहीं रुक जाऊं, आप लोगों को माल सप्लाई करता रहूं। पहले मुझे मेकअप तो दिलवा दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, वो तो दिलवाएंगे ही मैडम, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? मेरे दोस्त अतुल की यहाँ, मेरा बचपन का दोस्त है, हम लोग साथ पले बड़े हैं, एक ही बोतल शेयर करते थे। शराब की? धूप की। मैं समझा शराब की बोतल शेयर करते। संपत जी मैं भी क्या क्या सोच लेता हूँ मैडम। ये कौन सी जगह है मैडम? साउथ हॉल है, इसको लंदन का मिनी बॉम्बे कहते हैं। फिर यहाँ क्यों ले आई मैडम, बॉम्बे तो इंडिया में है ही। मैं नहीं लाई संपत जी, रास्ते में पड़ गया। अच्छा अच्छा, आपका दोस्त लेने क्यों नहीं आया? वही तो जाकर पूछूंगी उससे, देखना कितना झगड़ा करती हूँ। आप झगड़ेंगी? नहीं नहीं मैडम, आप वैसी दिखती हैं, हैं नहीं। चलिए संपत जी तैयार हो जाइए, हम पहुँच गए हैं। पहुँच गए? हाय देमी, उधर ही रहे उधर ही रहे, पास आने की कोई जरूरत नहीं है, इतना बदल गया। सॉरी बाबा सॉरी। नो नो नो, बिल्कुल नहीं, छूना मत मुझे, मारो भी। देखो आई एम सॉरी। ये यू डोंट ट्राई टू। सुनो तो, पैसा मिल गया ना, पेट में दर्द था, तुम अपनी बोलती रहोगी कि मेरी भी सुनोगी? मैं बिजी हो गया, सुनो तो, बिजी मतलब इतनी टेंशन थी कि तुम टेंशन हो रही, तो शादी क्यों कर रहा है, किसने बोला तुझे? नहीं नहीं, मुझे क्या पता चला कि तुम्हारी जो फ्लाइट है ना लेट है, तो मैं तैयार हो रहा था। मैडम आपकी फोटो निकाल ली, बहुत बढ़िया आई। ये है अतुल, ये है मिस्टर संपत। हेलो। इनका इंडिया में बिजनेस है कॉस्मेटिक का,
संपत जी, या बोले या मैं बोलू? नहीं नहीं, आप बोलिए, आप मुझे यहाँ लेके आई हैं, आप बोलिए, मैं तो यहाँ नया नया हूँ। तो मैं अपने सेंटेंसेस खत्म कर लूँ? थैंक यू, वेलकम मैडम, वेलकम। आइए संपत जी, सामान उठाए। डैडी प्रिया आ गई। बिल्कुल कुछ मत छूइएगा, मेरी नाक मत काटिएगा प्लीज। इनके सर्वेंट्स नहीं है? हेलो प्रिया, हाउ आर यू बेटे, हाउ आर यू? हेलो आंटी, कैसी हैं? हाय शीला। आप? ये है मिस्टर सम। बाय द वे, आई एम संपत। आई हैव बिजनेस कॉस्मेटिक, यू नो, 40 शॉप्स इधर उधर इन बॉम्बे। या आई एम मैक पैक परफ्यूम। गुड गुड, मम्मी जी सब आपके आशीर्वाद से। बहना नमस्ते। किन्नी छोटी होंदी सी जब पहली बारी देखिया सी? किन्नी छोटी होंदी सी एदे वर्गी? हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। क्या संपत जी, आप अभी तक सो रहे हैं? सो नहीं रहा हूँ मैडम, मैं तो बर्फ की तरह जम गया हूँ यहाँ बिस्तर में। एक पैक ब्रांडी की भिजवा दूँ? अरे मैडम, ऐसा आपने कह कैसे दिया? न मैं वैसा दिखता हूँ न हूँ। अच्छा प्लीज जल्दी तैयार हो जाइए, आज जाके कॉस्मेटिक्स खरीदने हैं। हाँ मैडम बिल्कुल, चलिए। अरे ऐसे चलेंगे क्या, नहाएंगे वहाएंगे? नहीं नहा लिया मैंने मैडम, मैं कोई लंदन का छोड़े हूँ कि फिश फिश मारर निकल गए, हिंदुस्तानी हूँ मैं। एक बात बताइए संपत जी, कल सुहासिनी आंटी से मिलके आप कितना खिल गए थे ना? वो क्या हुआ मैडम कि मैं एकदम, मुझे पता नहीं था ना कि ऐसे मिल जाएंगे अचानक। लेकिन आपने तो उनसे कहा कि आप यहाँ उनका मटेरियल खरीदने आए हैं मेरे खर्चे पे। नहीं
नहीं, व्यापार है मैडम, व्यापार में व्यवहार रखना पड़ता है, आखिर मेरी पुरानी कस्टमर है वो। फिर से बोलिए। मेरी पुरानी कस्टमर है वो। और मैं क्या आपकी स्पॉन्सर हूँ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अब जल्दी तैयार हो जाइए प्लीज। अच्छा, और वो एड्रेस लेना ना भूलिएगा जिस दुकान पे हमें जाना है, नहीं तो हम यू नो व्हाट आई मीन। यही फर्क है, यही फर्क है तुम में और सुहासिनी मैडम में। तुमको इंसान की कदर नहीं है ना। देख लो भाई, एड्रेस तो रख लिया था मैंने, एक बार से कंफर्म कर लो नहीं तो जाएगा। अरे फिर मैं तो रखा था। अरे कहाँ गया? इसमें भी नहीं है, बैग में ने कहीं छोड़ तो नहीं दिया? अरे पापरे, नहीं तो ये तो कच्चा खा जाएगी। सुहासिनी मैडम में और इसमें यही तो फर्क है। क्या कहाँ ढूंढ रही हूँ मैं? छोड़ाया मैं कहाँ गया? तुम्हें पता चला लेना चाहिए, नहीं तो क्या कर रहा हूँ मैं? पागल हो गया हूँ क्या? घर पे अपने फोन है क्या? ओ, अंतकाल आ गया मेरा, ये विदेश में ही मारा जाऊंगा मैं। क्या हो गया, क्या कर दिया मैंने बेवकूफ? मेरा बाप ठीक कहा करता था कि संपत्ति उत्सुक बहुत हो जाता है, इसी उत्सुकता में बेवकूफी करने लगता है। ओ भाई ना बेवकूफी है। संपत्ति अकलमंदी इसी में है कि बेवकूफ बने रहो। याद तो करना ही पड़ेगा ना, याद करूं कैसे याद करूं? एक तो यहाँ के नाम भी ऐसे टेढ़े मेढ़े मुश्किल होते हैं ना, किंगिंगटन तो, टिडिंगटन तो, फिलिंगटन, लिंटन। अपने इंडिया का नाम कितना अच्छा होता है, चिंचपोटी, झुमरी तिलैया, कन्याकुमारी, अंबरनाथ। देख लेंगे, कुछ तो करेंगे। सब जी तैयार हो गए? जी हाँ मैडम, बिल्कुल रेडी हूँ मैं। हाँ चलिए, वो एड्रेस जरूर ले लीजिएगा। जी जी, एड्रेस ले लिया है मैंने मैडम, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ढूंढ निकालेंगे हम। कहाँ जाना है? वो किंगिंगटन। नहीं नहीं संपत जी, किंगिंगटन। बस इस ब्रिज के नीचे राइट में है मैडम। ओह गॉड, और कितनी दूर? मैडम बस ये रही दुकान। संपत जी, इस दुकान के सेल्समैन ने आपको पहचानने से साफ इनकार कर दिया। सेल्समैन है ना, मालिक होता तो बात बन जाती। आई सी, इस दुकान के मालिक ने आपको पहचानने से इनकार कर दिया संपत जी। वो क्या है मैडम, इसकी वाइफ मुझे पहचानती है, वो होती तो बात बन जाती। आई सी, संपत जी, इस अंग्रेज औरत ने भी आपको पहचानने से इनकार कर दिया। वो क्या है मैडम, उसका हस्बैंड मुझे पहचानता है, वो होता तो बात बन जाती। ओह रियली? संपत जी, अब क्या हुआ, इस दुकान में मालिक, मालकिन, सेल्स बॉयज, सेल्स गर्ल्स सब थे, किसी ने आपको नहीं पहचाना। मैडम अब हम लेटर बाजी से माल मंगवाते हैं ना, फोटो तो भेजते नहीं है, कैसे पहचानेंगे बेचारे। आई सी मैडम, ये रही। संपत जी, ये मटन की दुकान है। यस मैडम, मैडम ये रही दुकान, 100%। संपत जी, ये क्रॉकरी की दुकान है। मैडम मैडम, हम राइट में कहाँ जा रहे हैं, दुकान तो वो लेफ्ट में है। लेफ्ट में? संपत जी, ये कार शोरूम है। ये रही दुकान मैडम। संपत जी, ये उस चीज की दुकान है जहाँ आप जैसे लोगों को दुरुस्त करने के लिए सामान मिलता है। नो व्हाट आई मीन? दुरुस्त करने के लिए सामान? जूते की दुकान है क्या मैडम? शुक्र है, कुछ तो समझे। अच्छा मैडम, आपका इतना काम कर रहा हूँ, एक आइसक्रीम खिला दीजिए। ऑफ कोर्स, आप घर चलिए संपत जी। मैडम यही खिला दीजिए ना। हम लोग तीन दिन से गली गली कूचे कूचे भटक रहे हैं उस दुकान की तलाश में जहाँ पर वो पाउडर मिलता है जो सुहासिनी आंटी के पार्लर में यूज होता है, जो मुझे चाहिए।
इसलिए आपको मैं लेकर आई थी, लेकिन आपको तो वो दुकान मिलती नहीं है। अरे मैडम अब मैं क्या करूँ, मैं 3 दिन से तो उधर जा रहा हूँ, अब वहाँ पे वो दुकान ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैडम मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे लगता है आप सुहासिनी आंटी के जासूस हैं। अरे आप मुझे इस तरह का आदमी समझती हैं? बिल्कुल है? मैं वैसा दिखता हूँ, हूँ नहीं मैडम। एक्सक्यूज मी संपत जी, आप जैसे दिखते हैं वैसे हूँ है। नहीं नहीं ऐसी अच्छा एक बात बता दूँ आपको, कल हम फिर जाएंगे उस दुकान को ढूंढने, अगर कल वो दुकान नहीं मिली और आप नहीं बता सके कि वो पाउडर कहाँ मिलता है मुझे, तो आप जाने आपका काम। बाबा आप जाने आपका काम, जैसे मैं हूँ तुम्हारे बाप का गुलाम। मैडम आप क्यों इतना बिगड़ रही हैं? आप देख रही ना मैं कितनी ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ। आपको तो ईमानदारी किसी तरफ से छू कर नहीं गई संपत जी। मैडम ऐसी बात मत कीजिए, आई एम ऑनेस्ट बिजनेसमैन। यू आर नॉट एनी काइंड ऑफ बिजनेसमैन। आपको लंदन लाना बिल्कुल बेकार हुआ मेरे लिए, बिल्कुल इतने सारे पैसे जाए हो गए मेरे। नहीं नहीं मैडम आप ऐसी बात मत कीजिए, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ और दुकान मिलके रहेगी मैडम। मुझे मालूम है आप सुहासिनी आंटी से मिले हुए हैं, उन्होंने आपको कहा है कि मुझे मटेरियल्स ना दिलवाएं। नहीं नहीं सुहासिनी आंटी उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा मुझे। आप भी एक बात याद रखिए संपत जी, मेरे साथ जो डबल क्रॉस करता है ना मैं उसको नहीं छोड़ती। चलिए संपत जी जल्दी जल्दी, देर हो रही है, लेट्स गो। क्या हुआ आप नहीं चल रहे क्या? नहीं नहीं मैडम आप जो कहेंगी मैं करूंगा मैडम। संपत जी जिस काम के लिए मैं आपको लंदन लेके आई हूँ आप वही कर दें, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। ओके क्या हुआ फिर कुछ तोड़ा फोड़ा आपने इस घर में? नहीं नहीं मैडम। तो फिर ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? मुझे आपसे कुछ कहना है मैडम। एक पाउंड नहीं दूंगी, एक पाउंड क्या एक पेनी नहीं दूंगी जब तक आप मुझे वो दुकान नहीं दिखाएंगे। मिल जाएगी दुकान मैडम, बस कोशिश करते रहना पड़ेगा। रोज कोशिश कर रहे हैं आप, जिस दुकान में कहते हैं मैं अंदर चली जाती हूँ, वहाँ जाके पता चलता है मटेरियल तो क्या यहाँ मेकअप ही नहीं मिलता। कभी गारमेंट की दुकान में भेज देते हैं, कभी क्रॉकरी की दुकान में भेज देते हैं, कभी जूतों की दुकान में। ये सब ना मैडम अंग्रेजी में जो हार्ट टाइट है ना मेरा मैडम बस इसी। आपका हार्ट टाइट है, मेरा तो स्ट्रांग है। साफ साफ क्यों नहीं बोलते आप मुझे वो दुकान दिखाना ही नहीं चाहते? सुहासिनी आंटी ने मना किया आपको, आई नो दैट, आई नो इट। एक बात याद रखिए आपको लंदन लेकर मैं आई हूँ, जाहिर है वापस भी मुझे ले जाना चाहिए है ना। ऐसा कुछ काम मत कीजिएगा जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ छोड़कर चली जाऊँ। नहीं मैडम। और एक और बात बता दूँ आपको, यहाँ का कानून और यहाँ की पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट होती है, अगर मैंने आपको फ्रॉड के केस में अंदर करवा दिया ये जो बची कुची उम्र है ना। नहीं मैडम भगवान साक्षी है, भगवान साक्षी है मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया मैडम। अरे बाबा ऐसा क्या कर दिया आपने? पहले आप वचन दीजिए, पहले आप वचन दीजिए कि आप मुझे माफ कर देंगे। बिल्कुल नहीं, पहले आप मुझे बताइए आपने क्या किया है, फिर मैं डिसाइड करूंगी आप माफी के काबिल हैं या नहीं। नहीं हूँ, मैं खुद कहता हूँ नहीं हूँ, लेकिन आप माफ कर देंगी मैडम तो मेरे बाल बच्चों पे आपकी दया हो जाएगी। संपत जी आप वो एड्रेस तो नहीं भूल के आए? पता नहीं कैसे। I don't believe this. मैडम शट अप, मैंने जानबूझ के नहीं छोड़ा मैडम। Go to hell. मेरा यकीन कीजिए, सुनिए मैडम मेरी बात तो सुनिए। आप एड्रेस इंडिया भूल के आए हैं? I don't believe this. अब आपको मैं यहाँ भूल के वापस चली जाऊँ आपको कैसा लगेगा? आप मुझे भूल कर जाएंगी तो मैं कहाँ जाऊँगा मैडम, कहाँ मारा मारा फिरूंगा, जान दे दूंगा। नाटक मत कीजिए, आप जैसा आदमी जान नहीं देता। दे दूंगा मैं जान, ऐसी बात नहीं है। जान दीजिए कुछ भी कीजिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तो ठीक, देखिए चढ़ रहा हूँ मैं, देखिए जान दे दूंगा मैं। अच्छा कूद जाऊंगा मैं इसमें, ऐसा मत समझिए। शौक से कूदिए कूदिए कूदिए। देखिए सुनिए मैडम मैं बहुत हट हूँ, कूद भी सकता हूँ मैं। डोंट थ्रेटन मी, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझको। क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? इतने दुकानें तो देखा, अब नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ? जरा मुड़िए। थैंक यू। क्या ले लिया? ये रहा आपका पासपोर्ट और ये टिकट रहेगा मेरे पास। आप यहाँ मेरा काम करने आए थे, जब आपका मन करे काम शुरू करने के लिए और सुहासिनी आंटी की जासूसी नहीं तो आ जाइएगा मेरे पास, तब तक ही मेरे पास रहेगा। आप सड़कों पे भीख मांगते फिरिए, ओके गुड बाय। भीख क्यों मांगूंगा मैं, आई एम ए टैलेंटेड मैन। अरे जा, कुछ नहीं बिगड़ सकता मेरा, बहुत देखे तेरे जैसे यहाँ। अरे समझ क्या रही है अपने आप को, आई एम ए शट अप यू इडियट। गई? अरे संपत ये क्या कर दिया तूने, अब कहाँ जाएगा तू? mm,
ही बोरिंग है भाई। कसम से भाभी आपने मेरे मुंह की बात छीली है। गेम भी कोई गेम है, कमबक पहले उल्टे सीधे तेरे पत्ते बांटो फिर को उसे सीक्वेंस में लगाओ, ट्रेन में लगाओ। अरे इससे अच्छा आइडिया तो मेरे दिमाग में। फ्लश खेलते हैं, 5 pound का बोर्ड। बिल्कुल नहीं खेलेंगी, मैं इस बात पर 1 घंटा बहस कर सकती हूँ। अरे वो खेले ना खेले, हम उनके माँ से बाप कैसे। ये संपत जैसा आदमी कौन है? अरे ये तो संपत ही है। क्या हुआ, क्या वो इधर रो रहे हैं? मैडम अब ये संपत अपने भारत का फेस कभी नहीं देख पाएगा। अरे क्यों? पहले आप लोग बैठिए। संपत जी चुप हो जाइए, आपको चुप देखने के लिए हमारी आंखें कब से तरस रही हैं। अब तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ नहीं लगता है। ये भाई कोई भाई वाई नहीं है। सोमो तुम बड़े वो हो। वो तो मैं हूँ। संपत जी चलिए आप कुछ खा लीजिए। मेरी तो भूख ही मर गई है मैडम। नहीं नहीं आप कुछ खा लीजिए ना, आपको अच्छा लगेगा। हाँ। अरे सुहासनी जब वो नहीं खाना चाहता क्यों जबरदस्ती कर दी। नहीं नहीं मैडम कह रही है इसलिए मैं जरूर खाऊंगा, मैं मैडम की बात नहीं टाल सकता। संपत जी आप आराम से खाना खाइए, मैंने प्रिया को बुला लिया है, वो आ रही होगी। ना दीदी प्रिया नहीं आएगी। क्यों? मैं उससे बड़ी हूँ, मेरी बात जरूर मानेगी और वो आएगी जरूर। प्रिया नहीं आएगी इस बात पर मैं 1 घंटा बहस कर सकती हूँ। पता है सोनू आज सवेरे से तुम्हारे अंदर क्या कोई वकील का पूत घुस गया है। सोनू हाय थिंक ऑफ द एंड द वेरी फनी। मुझे पता था आप यही मिलेंगे। शरीफ आदमी शरीफों के पास नहीं जाएगा मदद मांगने तो और कहाँ जाएगा। इतने शरीफ नहीं है जितने आप लोगों को दिखते हैं। नहीं नहीं संपत भाई शरीफ है, इस बात पर मैं 1 घंटा बहस कर सकती हूँ। वैसे प्रिया इनका पासपोर्ट छीनकर तुमने अच्छा नहीं किया। ओह रियली? तो उनका शुक्रिया अदा करूँ कि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया। मगर इन्होंने जानबूझ के तो आपको धोखा नहीं दिया ना। मगर धोखा देने के वक्त इनको ये थोड़ी मालूम था कि आपको धोखा दे रहे। सोनू इस पर तुम 1 घंटा बहस कर सकती हो। अच्छा सुनो प्रिया मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुमको मेरी बात मान लेनी चाहिए, सीधी तरह इनका पासपोर्ट वापस कर दो। प्लीज सुहासनी आंटी दिस इज अ पर्सनल मैटर। अरे वाह, किसी को सड़क पर छोड़कर उसका पासपोर्ट छीन लेना पर्सनल मैटर नहीं होता। रियली? ओके बाय बाय चाओ। प्रिया इनका पासपोर्ट दिए बगैर तुम इस घर से नहीं जा सकती। नहीं जा सकती? नहीं जा सकती। नहीं जा सकती? ठीक है नहीं जा सकती। दे दो वो क्या कि मेरे पासपोर्ट। ये रहा, ये रहा आपका पासपोर्ट ना संपत जी, आपका पासपोर्ट ये रहा। संपत जी ये रहा आपका पासपोर्ट। Serves you right, Sampaji. Serves you right. Serves him right. Now it's torn. अब कैसे जाएंगे? निया तुमने किसका पासपोर्ट फाड़ा? चाप चले या शोर मचे, जान जाए या जान बचे, रोज नया एक खेल रचे, ये किस्सा है संगीन। पैरों तले रहे जमीन, देख भाई देख, हा देख भाई देख, जमाना है रंगीन। रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, देख भाई देख, हा देख भाई देख, हर शाम के बाद सवेरा है।